नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा भट्ट। हमारे समाज में नशे का जहर घुलता ही जा रहा है, साथ ही महिला हिंसा के मामलों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इन सभी अपराधों को रोकने के लिए जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल द्वारा जन जागरूक अभियान के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पॉक्सो एक्ट, बढ़ते हुए नशे से दूर और महिला अपराधों के बारे में जागरूक करने के लिए अलग अलग स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में शुक्रवार यानी आज सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि पंत और जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन द्वारा संयुक्त रूप से मुखानी में स्थित केवीएम पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं को बढ़ते हुए नशे से दूर रहने और महिला अपराधों के लिए जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें बेड और गुटच के बारे में भी बताया गया। साथ ही प्रेरणा स्रोत के लिए शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। बच्चों को संबोधित करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने उन्हें नशे से दूर रहने और खाली समय में अपने शौक पूरा करने, जैसे खेलना, नाचना, कला को पूरा करने, जिससे कि उनका मन पॉजिटिव दिशा में काम करे। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि पंत ने छात्र छात्राओं को किशोरावस्था में होने वाले बदलावों की जानकारी दी। इसके साथ ही सभी बच्चों को नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।